हेलो एवरीवन, मैं शुभेन आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आप लोग तो टाइटल देख के समझ ही गए होंगे आज कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। क्लाइमेट देख रहे हो, पूरा बादल, पूरा वाह मस्त दिख रहा है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे जगह लेके जाने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक मैंने थोड़ा सा पता किया था तो मेरे को पता चला कि हीराकुड डैम का गेट बंद है, लेकिन मैं आज जैसे भी करके आपको हीराकुड डैम का गेट का पूरा व्यू देने का पूरा कोशिश करूँगा। मैंने कुछ कुछ पता किया इधर उधर से, तो मुझे कुछ शॉर्टकट रास्ते भी कुछ पता चले, तो आज देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है। हमारे यहाँ पे परसों बारिश हुआ था, बारिश होने के बाद इतना अच्छा क्लाइमेट, जस्ट इमेजिन वाला सीन हो गया। बादल मतलब इतना अच्छा, पता नहीं इसमें दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छा बादल दिख रहा है पूरा। फ़ोटो शूट करने के लिए एक नंबर है, लेकिन नहीं करते हम फ़ोटो शूट, क्या है। और ये रहा ब्रिज, ये ब्रिज में अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। पानी देख रहे हो, पूरा लबालब भरा हुआ है पूरा पानी, हर जगह से पानी आ रहा है यहाँ पे, पूरा पानी पूरा भरती भरती भरती, बाप रे बाप, बहुत पानी है, बहुत पानी। यहाँ पे आपका ये अप है वो डाउन है, थोड़ा सा रोड यहाँ पे बस खाली ख़राब है, बाकी आगे का रोड बहुत अच्छा है। गड्ढा थोड़ा थोड़ा है ना, ट्रक वाला पूरा धूल उड़ा रहा है। ये सामने जो आप देख रहे हो ये भूषण है, और यहाँ से संबलपुर थोड़ा सा दूर है, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएंगे। यहाँ पे सब कोई गाड़ी चला रहे हैं, सब पूरा रेस के मूड में, लेकिन कौन किसको पीछे छोड़ेगा, कौन किससे आगे निकलेगा, सब दबा रहे हैं। पूरा रोड पूरा मक्खन जैसा है पूरा रोड। और ये रहा अपना भूषण, ये आपका भूषण का मेन गेट, ये रहा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा जब आपका सबका छुट्टी होता है, 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे, 6 बजे होता है कि नहीं पता नहीं, बाकी 7 बजे तो होता है, मेरे को इतना पता है, 7 और 8। यहाँ से पूरा रोड पूरा मक्खन जैसा पूरा रोड, मतलब एक तो अरे इसको कौन दिया रे पॉल्यूशन। यहाँ से रोड पूरा मक्खन जैसा पूरा पूरा, मतलब कोई अच्छा स्पोर्ट्स बाइक अगर हो ना, पूरा बम बम बाइक चलेगा, पूरा बमा बम। अभी इसमें फ्यूल भरवा लेते हैं, फ्यूल भरवाने के बाद फिर आगे चलेंगे। क्लाइमेट लेकिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। पता नहीं गोपुर में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बारिश होने के बाद इतना अच्छा मौसम, जस्ट इमेजिन वाला सीन हो गया। देखते हैं यहाँ पे पूरा क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ ठीक है, भरते हैं तेल। मैं थोड़ा सा पानी पानी देख के मैं डर गया था, मैं सोच रहा था कुछ काम वाम चल रहा होगा मे भी यहाँ पे, लेकिन काम वाम नहीं चल रहा है। पीते रहे बेटा, तो पी पी कितना पिएगा, पीते रहे पीते रहे, तेरा ही टाइम है, पीते रहे। अभी हो गया इसका फ्यूल का काम ख़त्म, ये तो फुल दिख रहा है। हाँ थोड़ा बहुत दिखता होगा, मैंने थोड़ा सा छोड़ के तेल भरा है, क्योंकि गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्ता में जाएगा तो तेल इधर उधर होगा, तो ज़्यादा उतना छम छम नहीं करना है, नॉर्मल जितना है उतना मेरा है, घर तक पहुँच जाना बस। इतना तेल होना चाहिए कि गाड़ी यहाँ से जाए और घर तक पहुँच जाए। और ये रोड पूरा मक्खन जैसा पूरा रोड है, पूरा मक्खन। अगर एक तो स्पोर्ट्स बाइक अगर हो जाए ना, मतलब पूरा गाड़ी पूरा हवा से बातें करेगा। और ये रोड में उतना ज़्यादा भी ट्रैफिक नहीं है बिकॉज ऑफ कोरोना, नहीं तो ये रोड में बाबा बहुत ट्रैफिक रहता है रे भाई, बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। अभी कोरोना के चक्कर में उतना ट्रैफिक नहीं है, लेकिन ये रोड बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो आपको कोना कोना में जो वाइट वाइट दिख रहा है, इसमें फ़ोटो बहुत अच्छा आता है। वैसे एक बात बता दूँ, हमारे झारसुगड़ा में फैक्ट्री बहुत है, बहुत फैक्ट्री, फैक्ट्री का कमी नहीं है यहाँ पे। ये क्या हो गया इसको, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, अरे बाप रे, ये बचा होगा कि नहीं बचा होगा, क्या पता, बाप रे बाप रे।
ये भी एक तो फैक्ट्री है। रात का रोड बहुत डेंजर है, ये NH-49 है, मतलब गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड चलता है रात को। और हमारे यहाँ पे ट्रक बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा ट्रक चलते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ कोल, हमारे यहाँ पे कोयला का प्रोडक्शन होता है। वॉश योर हैंड, ओके, हम धो लिए अपना हाथ प्रॉपरली तरीके से पूरा। सो जो भी गाड़ी चलाओ यार, थोड़ा सा केयरफुली चलाओ यार, लाइफ बहुत कीमती है, इतना भी डेंजर नहीं होना चाहिए। वो ट्रक का हालत देख के बाप रे बाप लग रहा होगा कि इंसान होगा बोल के। घुसा दिया ले, इसी रीज़न से ही ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, बस यही रीज़न और कुछ नहीं। थोड़ा सा देख के क्रॉस करना चाहिए यार। मैं बोला था ना हम लोग के यहाँ पे फैक्ट्री की कमी नहीं है, ये रही और एक फैक्ट्री। और एक बात है यार, आप लोग वीडियो देखते हो यार, थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो यार, भाई को थोड़ा सपोर्ट करो यार, अच्छा नहीं लगता यार, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करो यार। ये अपना धूल उड़ा दिया ले, अभी ये ढला हुआ है तो अभी यहाँ पे मेरे हिसाब से बादल जैसा हुआ है तो अच्छा अच्छा शॉट्स कुछ मिल सकते हैं। तो अभी आप लोग व्यू एंजॉय करो, फिर मिलते हैं हम। अभी जो आ रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि बादल के अंदर पूरा घुसे जा रहे हैं, पूरा इस टाइप का बादल हो गया था। व्यू बहुत ही अच्छा था, ये गाड़ी ख़राब हो गया लगता है। हाँ ये गाड़ी ख़राब हो गया, ठीक है बाबा सब बढ़िया। ये अपना यहाँ पे थोड़ा सा बम्पर है तो यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी स्लो करना पड़ेगा, नहीं तो उड़ के गिरोगे दबाम करके। ये अपना आगे में जो देख रहे हैं आप, ये रेंगाली पुलिस स्टेशन है, तो यहाँ पे भी चेकिंग वेकिंग चलता है कभी कभी, तो थोड़ा सा देख के आना जो भी आते हो। अच्छा है यहाँ के पुलिस वाले भी, सब पुलिस वाले ही अच्छे रहते हैं। कभी कभी उन लोगों का मूड ख़राब रहता है तो फ्रस्ट्रेशन उतार देते हैं अपने पे, क्या कर सकते हैं। ये रहा रेंगाली का बोर्ड। अभी ये जो रोड जा रहा है यहीं पे अपना टोल टैक्स पड़ेगा, लेकिन अपने को टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बाइक का टोल फ्री है, तो इसीलिए अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये रहा टोल प्लाजा, बहुत अच्छा है लेकिन मस्त दिखता है। भाई यहीं से जा रहे हैं। अरे बाप रे उछल गया रे, उछल गया ये गाड़ी, कोई सा टो हो रहा है। गाड़ी टो हो रहा है। वैसे मैं एक चीज़ बता दूँ, टो देख के मेरे को याद आया, अगर आप टोल टैक्स देते हो, अगर इनकेस अगर आपका रोड में अगर गाड़ी अगर ख़राब हो जाता है तो आपको टोल सर्विस आपको फ्री में दिया जाता है। मतलब आपका गाड़ी अगर ख़राब हो जाता है, जो टो करने वाला जो गाड़ी जो आएगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका गाड़ी टो करके मैकेनिक के पास छोड़ देगा। इवन इफ अगर आपका पेट्रोल भी ख़त्म हो जाता है तो आपको वो पेट्रोल भी ला के देगा, लेकिन पेट्रोल का आपको खाली सिर्फ पैसा देना है। ये टर्निंग थोड़ा सा देख के काटना चाहिए। ओ यहाँ पे बोर्ड भी लग चुका है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, होता था, अभी तो नहीं होता है लेकिन होता था पहले, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता था क्योंकि टर्निंग पूरा मुड़ा हुआ था तो उसी वजह से बहुत एक्सीडेंट होता था। बादल बहुत अच्छा दिखता होगा। ये एक रिसॉर्ट है, देखते हैं कभी आएंगे यहाँ पे भी एक तो ब्लॉग बनाएंगे। गौ माता हमें कुछ नहीं आता ऐसे, लेकिन गाय को लेकिन रोड में छोड़ना नहीं चाहिए यार। बहुत ट्रक वाले लोग एक तो रहते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड में रहते हैं, उन लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठोक देते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा करना चाहिए यार, थोड़ा बहुत डिस्कस किसी किसी को। बचाओ गौ माता को, बचाओ, गाय हमारी माता है।
थापाली हम घुस गए। ये रहा संबलपुर का मेन चौक, जिसको आप बोल सकते हो। यहीं से मेन संबलपुर आपका स्टार्ट हो जाता है। बचपन से ही यही सुन रहा हूँ मैं, यहीं से संबलपुर स्टार्ट होता है। थोड़ा सा रोड यहाँ पे बस थोड़ा सा ख़राब है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है, उसी वजह से थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन आगे का रोड ख़राब नहीं होगा, मेरे को उतना भरोसा है। थोड़ा सा गड्ढा गड्ढा है, थोड़ा सा गाड़ी धीरे धीरे लेके जाना पड़ेगा। पूरा काम चल रहा है, पूरा धीरे 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 धीरे। हमारे यहाँ पे मैं बोला था ना, ट्रक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ट्रक है। मेनली हमारे यहाँ पे कोयला ट्रांसपोर्ट होता है ज़्यादा, क्योंकि कोयला का प्रोडक्शन होता है, तो उसी वजह से हमारे यहाँ पे कोयला का ही ज़्यादा अपना ट्रांसपोर्ट भी होता है। ये रहा इसका मेन चौक, चारों दिशा जाने का रास्ता, तो अपने को सीधा जाना है। तो ये चले हम। पे फिर अपना चारों दिशा जाने का रास्ता आ जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा धीरे 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 चलना है। बम्पर, छोटा छोटा बम्पर, छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। ये गड्ढा रे, तो अभी फिर चले हम। ये फिर आ गया अपना चारों दिशा जाने का रास्ता। ये सीधा जाएंगे तो अपना बरगढ़ आएगा, लेफ्ट साइड कटेंगे तो अपना संबलपुर घुस जाएंगे, और राइट साइड कटेंगे तो अपना डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। तो अपने को राइट साइड काटना है। अभी धीरे 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 चलते हैं। यहाँ पे सब जगह ट्रैफिक है, कौन बोलेगा कोरोना है यहाँ? किसी को डर भय कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है डर भय, सब डर भय बेच दिए हैं। और ये रहा अपना डेस्टिनेशन, देख रहे हो पहाड़, देख रहे हो पहाड़ कट रहे हैं कोना से, और ये हम चढ़ रहे हैं ऊपर। अभी हम लोग इधर से अगर लेफ्ट अगर कटेंगे तो पहुंच जाएंगे। हो गया काम। मोड़ल, दिल तोड़ दिया यार। अभी किधर से देखें, आज तो देख के ही रहूँगा जैसे भी करके, और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। टेंशन नहीं लेने का, एकदम टेंशन नहीं लेने का। ये रास्ता एक गांव के अंदर से जाता है,
जो अपना ऑपोजिट साइड में है तो उसके अंदर से जस्ट निकल रहा है, पता नहीं यहाँ से भी दिखेगा कि नहीं, देखते हैं। ये ऊपर चढ़ा देता हूँ। अरे बाप रे, वाह यार क्या व्यू है। अब इसको पास से देखना है, अब इसको जैसे भी करके अब इसको पास से मुझे देखना है। क्या बात है, आप सभी तो पूरा मुस्कुरा दिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, अच्छा लगता है। इससे पहले कभी यूट्यूब में ऐसा व्यू कैप्चर नहीं हुआ होगा, तो अपनी सीट की बेल्ट बांध लें, कृपया बने रहें। माय डियर फैमिली, अभी आप लोग सिर्फ व्यू एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोग सामने होते तो आपको क्या करने का इच्छा होता, और ये व्यू को देख के फील करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए। आशा करता हूँ आप सभी को व्यू बहुत पसंद आए होंगे, बाकी आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलने वाले हैं आपको, तो उसके लिए पार्ट 2।